Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS या जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आराम से रेफर कर सकते हो. एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाई मी नैना दुबे. तो देखिए, जैसे कि ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 के बीच में मिल जाया करती है. अगर आपको नोटिफिकेशंस ना आए ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा. सो क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए आज के पहले करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन है, किसने संयुक्त अरब अमीरात में फीफा क्लब विश्व कप 2018 का खिताब जीता है. सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य में भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक को पास किया गया है. एंड द थर्ड वन, किसने वारसी एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की है. ठीक है, एंड स्टैटिक्स से आप मुझे बताइए कि लीबिया की राजधानी क्या है. एंड द सेकेंड वन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है. तो आज के बनते हैं ये 5 क्वेश्चन. आप कोशिश करिएगा कि इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बता पाओ. एंड जो क्वेश्चंस मैंने कल पूछे थे, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं वही क्वेश्चंस पूछती हूँ जो हम करंट अफेयर्स पार्ट में अपने कवर कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, जस्ट एक दिन पहले के ये सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना, वो चीज़ें आपकी रिविज़न होती जाएंगी. तो देखिए, जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2018 पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है. तो ये है सुरेश प्रभु जी. किस राज्य सरकार ने कालिया योजना की घोषणा की है. तो ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा की गई है. एंड किस देश ने दुनिया भर में ब्रांडेड इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है. तो ये देश है चाइना. ठीक है, और हाँ, मैक्सिमम आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर सही थे, कुछ के आंसर्स गलत थे. तो आप वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं, इसके PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे होती हैं, तो आप आराम से पढ़िए. एंड कोशिश करिएगा कि आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में बता पाइए. ठीक है, और मैक्सिमम के आंसर्स तो सही थे, वेरी वेल डन. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना डेली करेंट अफेयर्स क्विज. हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है. नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में, उनकी याद में 25 दिसंबर को, यानी कि कल, ₹100 के सिक्के को जारी किया है. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं A 100. देखिए, कल 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का की जयंती थी. इनका 16 अगस्त को देहांत हो गया था इसी साल. तो इसी दिवस पे इसे स्मृति के रूप में इन्होंने ₹100 के सिक्के को जारी किया है, और जिसे 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं. और सिक्के की मैं बात करती हूँ तो यहाँ स्मारक सिक्के की बात हो रही है, ₹100 की है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस पिक्चर के पहले साइड में इनका नाम दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ आप देख सक रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया हुआ है, इनकी पिक्चर दी गई है, और इनकी जन्म तिथि 1924 और उनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु वर्ष 2018, ये दोनों भी यहाँ अंकित है. और इसके साथ ही साथ पिछले के सिक्के के अन्य भाग में आप देख सक रहे हैं कि इसमें अशोक स्तंभ दिया हुआ है एंड लायन कैपिटल जो है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखी हुई है. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है. एंड इसके बारे में थोड़ी सी बात की, देखिए इसका जो ये 135 ग्राम का सिक्का है, इसमें 4% जो है सिल्वर, मतलब 4 सिल्वर यूज़ करके, इसमें 50% सिल्वर है. 4 चीज़ें यूज़ हुई हैं, 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% जिंक है, 5% निकेल है. तो इन धातुओं से ये बना हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. मोदी जी ने जैसे कि इसे जारी किया है, तो आप इस पिक्चर्स को यहाँ देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, सुशासन दिवस कब मनाया गया. जैसे कि मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब जयंती होती है 25 दिसंबर को, इसी दिन सुशासन दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ये मनाया गया, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी 25 दिसंबर. देखिए, सुशासन दिवस की जो स्थापना हुई थी, मतलब 2014 से हम इसे मनाते आ रहे हैं. इसका उद्देश्य ये है कि देश में पारदर्शिता लाना या एक जवाबदेही प्रशासन को लागू करना है, जिससे कि सरकार की प्रतिबद्धता जो होती है ना, वो लोगों को अवगत करा सके. ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य है जिससे हम सुशासन दिवस को मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर. आप यहाँ देख सकते हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने साइबर समन्वय केंद्र की वेबसाइट लॉन्च की है, ये किनके द्वारा किया गया है? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए, देखिए डीजीपी सम्मेलन जो हो रही है गुजरात में, ये 3 दिनों की थी, इसके समापन समारोह ने मोदी जी ने ये वेबसाइट लॉन्च की साइबर समन्वय केंद्र की। इसके तहत क्या होगा कि साइबर से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं, ये साइबर अपराध हो गए या साइबर सुरक्षा, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। और ये आपके गुजरात में जो नर्मदा जिला है वहाँ की केवाड़िया में आयोजित की गई थी, ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया है? ड्राइवर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन है सी लुइस हैमिल्टन। देखिए ये 5वें विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप, इन्होंने 5वां विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप भी जीता है, और 5वें विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने के बाद इन्हें ड्राइवर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है सी लुइस हैमिल्टन। और इस तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और इस खिताब को हासिल करने के बाद ये इतिहास में तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, आप यहाँ इनकी तस्वीर देख सकते हो इस पिक्चर में, यही है लुइस हैमिल्टन जिन्हें ड्राइवर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में 17 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मतलब ये कौन सा मंत्रालय है जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 जो हुआ था उसमें इन्हें 17 पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये है रेलवे मंत्रालय, ऑप्शन हो जाते हैं डी रेलवे मंत्रालय, इन्हें 17 पुरस्कार से नवाजा गया है। और देखिए ये 4 दिसंबर को हुआ था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो समारोह हुआ था, ये 4 दिसंबर को हुआ था, जिसमें रेलवे को, हमारी भारतीय रेलवे को 17 पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार जो है ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उनके द्वारा दी गई थी। और ये जो पुरस्कार दिए गए हैं इनका उद्देश्य क्या है, इनके पीछे देने का कारण है कि ऊर्जा की खपत और लागत को कम करने के लिए, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के लिए किसका सबसे अच्छा योगदान था। तो ये रेलवे मंत्रालय द्वारा इस पर बहुत ही अच्छी तरह से काम किया गया है, जिसके कारण रेलवे मंत्रालय को ये 17 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो हमारे ऑप्शन है डी रेलवे मंत्रालय, ठीक है, भारतीय रेलवे को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके हमारे केंद्रीय मंत्री है श्री पीयूष गोयल जी, राज्य मंत्री है श्री मनोज सिन्हा और श्री राजेंद्र गोहेन, और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी। ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई सुनामी द्वारा भारी नुकसान पहुँचा है? देखिए अभी अभी एक देश में सुनामी आई है। देखिए होता क्या है कि यूजुअली हमने देखा है कि भूकंप के कारण सुनामी आती है, ठीक है, यहाँ कुछ अलग हुआ है, यहाँ ज्वालामुखी के फटने से सुनामी आई है। ज्वालामुखी का जो एक देखिए पानी के नीचे भूसंकलन हुई थी, और भूसंकलन की वजह से ज्वालामुखी जो आई थी अनाक केटराव द्वीप में, वहाँ उसका एक हिस्सा जो है वो फिसलकर समुद्र में फिसल गया था, जिसके कारण भूकंप के बजाय ज्वालामुखी द्वारा ये सुनामी शुरू हो गई। तो ये देश कौन है? ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भारी ये सुनामी आने के चलते यहाँ भारी क्षति पहुँची है, बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ज्वालामुखी से उत्पन्न जो सुनामी आई है ये इंडोनेशिया में आई है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, ठीक है। और यही हुआ है कि मान लीजिए ऐसा देखा जाता था कि भूकंप से जो ज्वालामुखी आती है तो उसके लिए अलर्ट रहते हैं सारी चीज़ें, और इसके लिए कुछ अलर्ट की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि प्रारंभिक जितनी भी चेतावनी होती है वो उत्पन्न नहीं हो सकी, क्योंकि ये भूकंप के बजाय ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है ये सुनामी। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑप्शन है ये इंडोनेशिया में ये आई है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशिया रुपिया, और राष्ट्रपति है वहाँ के जोगो विडोडो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस हमने सेलिब्रेट किया था 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस जो हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को याद करने के लिए, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे भारत के जितने भी सामाजिक आर्थिक विकास में किसानों की जो भूमिका है ना उन्हें स्वीकार करने के लिए ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय किसान दिवस हमने कब मनाया? 23 दिसंबर, और हमारे ऑप्शन हो गए ए 23 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में श्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? देखिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, और इसके साथ ही साथ
चौधरी श्री चौधरी चरण सिंह की जो जयंती होती है, इसे ही चिन्हित करने के लिए हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा। अब इस साल इनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, ये किया गया है गाजियाबाद में। ऑप्शन है ए, गाजियाबाद में। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया, और इसके साथ ही साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने कहा है कि वो 325 करोड़ रुपए की आवंटन की उन्होंने घोषणा भी की है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हमारे ऑप्शन है ए, गाजियाबाद। आप यहाँ देख सकते हो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही श्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो इनका नाम है पीवी भारती। हमारे ऑप्शन है बी, पीवी भारती। इन्हें कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंटली ये कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, पीवी भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं? ये कौन है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं? और ये इनका नाम है संगीता वर्मा। हमारे ऑप्शन है ए। देखिए, ये पूर्व IES अधिकारी भी रह चुकी हैं, ये अगले 5 सालों के लिए इस सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। और ये आप ध्यान रखिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सभी निर्यात संबंधी हस्तक्षेपों की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक शासी परिषद की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? ये मंत्रालय कौन सी, ये मंत्रालय जिसमें निर्यात से संबंधित जितने भी हस्तक्षेप होते हैं तो उस वो नहीं होंगे, एकदम कुशल डिलीवरी होगी सामानों की। ठीक है, उसके लिए उन्होंने शासी परिषद की स्थापना की है। तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, MSME के द्वारा। ठीक है, तो इससे इनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, कि ये शिपमेंट को बढ़ावा देगा और इसकी अध्यक्षता भी MSME के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मतलब बाहर से जो व्यापार हो रही है अब उसके प्रतिनिधि को इसे नियुक्त करने का अधिकार है, ये कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है? ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। ठीक है, एंड द लास्ट वन, किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है? सदैव अटल का उद्घाटन 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। आप इस पिक्चर में देख भी सक रहे हो, ये रही अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्मारक की उद्घाटन की गई है मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गए हमारे ए, नई दिल्ली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 26 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पिछले 6 महीने की वीडियोस चाहते हो तो मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाती हूँ। अन अकेडमी पर आप मुझे नैना दुबे से सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको पिछले 6 महीने के वीडियोज़ मिल जाया करेंगी। थैंक यू सो मच।